राधा अष्टमी के दिन राधा रानी खुद सास बहू और बेटिया में आपसे मिलने आ जाएगी, आपको बिल्कुल पता नहीं था ना? मिल गया ना, वो क्या कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज। इसी बात पर लेकर आई है राधा रानी आपके लिए एक और बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज। सोनी सब टीवी पर हो रहा है बालवीर का आगाज। एक बार फिर लौट रहा है बच्चों का चहेता बालवीर। शो का नाम होगा बालवीर रिटर्न्स, जिसमें निगेटिव किरदार निभाती नजर आएंगी अभिनेत्री पवित्र पुनिया। सब टीवी का सबसे चहेता शो बालवीर, यस, जिसको आपने ढेर सारा प्यार दिया है और बहुत 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 पसंद किया है, वो अब वापस आ गया है बालवीर रिटर्न्स, और उसी की कास्ट के साथ हम आपको मिल पा रहे हैं आज सास बहू और बेटियां में। सो प्लीज वेलकम आपके पुराने और नए बालवीर, यानी कि देव जोशी एंड वंशयानी। तो देव आप ही बताइए, क्योंकि आप तो बालवीर का एकदम अहम हिस्सा है, आप खुद बालवीर हैं, तो कितना अमेजिंग ये सीजन टू होने वाला है और कितना अच्छा आपको फर्स्ट सीजन का रिस्पांस मिला है? सो दिस शो इज़ बैक ऑन पब्लिक डिमांड। हमारे प्रोड्यूसर, हमारे चैनल सब टीवी ने यह पब्लिक की पुकार सुनी और गूगल ट्रेंड्स में जैसे 2018 में टॉप 10 में बालवीर था, और साथ ही साथ मुझे इस रोल को निभाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2019 यानी नेशनल चाइल्ड अवार्ड से नवाजा गया हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी द्वारा। सो सबको माइंड में रखते हुए, पब्लिक की डिमांड को माइंड में रखते हुए, हमारे प्रोड्यूसर और चैनल ने ये सोचा कि शो वापस आना चाहिए। जब ये शो बंद हुआ था तो बहुत दुख हुआ था कि शो आखिर बंद क्यों हुआ, लेकिन जब ये वापस आ रहा है तो उससे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है और एक अलग लेवल पर आ रहा है, एक नया अंदाज है, हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, ऑडियंस के लिए भी है, और साथ ही साथ दो नए कैरेक्टर्स हैं जो पूरी तरह से ग्राफिकल है, जैसे शौर्य है, अक्रूर है, और आगे भी नए नए कैरेक्टर्स आएंगे। हमारी VFX टीम बहुत मेहनत कर रही है, जैसे हम 50% लाइव शूट करते हैं, हमारा फ्लोर लाइव शूट होता है, और साथ ही साथ जो एक्शन है, मैं साथ ही साथ जिमनास्टिक्स कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, डाइटिंग कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही है शो को एक वो लेवल पर ले जाने के लिए जहाँ पर हम इसको देखना चाहते हैं। पर बालवीर की बात करें तो आई थिंक देव जब इसकी उम्र के थे तब बालवीर आपने शुरू किया था, और अब देव बड़े हो गए और छोटू बालवीर आ गया है। सो ये वंश की क्या कहानी, क्या किरदार का नाम है आपके? मैं जो रोल प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है विवान, और उसके कैरेक्टर में बताया जाए तो वो जो विवान है वो बहुत ही नॉटी है, और वो बार बार अपनी मम्मी से डांट खाता रहता है, और उसे प्रैंक करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये बालवीर विवान की लाइफ कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि बालवीर जब इस साइज़ के थे, मतलब आपने इस साइज़ के बालवीर को देखा है, अब वो बड़े बालवीर हो गए हैं, सो ये छोटू बालवीर कैसे बनेगा एंड किस तरह, क्या कहानी है? सो बेस स्टोरी ये है कि बालवीर जो है उससे काल शस्त्र से वार किया गया है, जिसके कारण उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए उसे अपना उत्तराधिकारी ढूंढना है, अपना एक साथी ढूंढना है जो उसकी मदद काल लोक से, तिमनासा से लड़ने में मदद कर सके। पहले सीजन में हमारा एक ही विलन हुआ करता था जिससे बालवीर लड़ता था, लेकिन इस बार पूरी सेना है काल लोक की, काल लोक में हजारों लाखों लोगों की सेना है जो धरती पर आते हैं और तबाही मचाते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए हमें डबल पावर की ज़रूरत है, इसलिए दो बालवीर की ज़रूरत आनी पड़ी। अभी आप अगर एपिसोड में देखेंगे कि हम जब भी मिलते हैं तो वो सीन आप जब भी देखेंगे, आपको उस सीन के बाद आपको लगेगा अरे हर सीन अब तो विवान और बालवीर का ही होना चाहिए। वैसा है हमारा सीन। तो जैसा हमने प्रोमोज में देखा, ये जो विवान है, विवान को बिल्कुल नहीं पता कि उसमें बालवीर की शक्तियाँ हैं, करेक्ट? सो किस तरह ये स्टोरी आगे बढ़ने वाली है और ऑडियंस को कितना कुछ मसाला और मस्ती एंड मैजिक देखने को मिलने वाला है? विवान जो है सलमान खान का फैन है और वो सलमान खान को फॉलो करता है, लेकिन उसे रियल हीरो और रियल हीरो के बारे में डिफरेंस नहीं पता, और उसे बालवीर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, वो बालवीर में विश्वास नहीं करता, और इसीलिए बालवीर के लिए वो चुनौती है कि वो बालवीर उसे समझाएगा कैसे कि बालवीर सच में है। हमारा बहुत हिट एंड मिस होता है, और साथ ही साथ बहुत तू मैमें भी होती है, ये बोलता है सलमान खान हीरो है, मैं कहता हूँ अरे बालवीर समझो, लेकिन वो समझता नहीं है। उसी जर्नी पर हम ऑडियंस को ले जाते हैं कि कैसे एक नॉर्मल बच्चे को जो बालवीर में विश्वास नहीं करता उसे खुद सुपर हीरो बनाकर इस दुनिया का रक्षक कैसे बनाएंगे। वाह, सो ये कहानी होने वाली है एक ऐसे सुपर हीरो की जो दुनिया को बचाएगा, जो सीजन वन में आपने देखा, सीजन टू में उससे डबल धमाल आपको देखने को मिलने वाला है। सो ज़रूर देखिए बालवीर रिटर्न्स जो आने वाला है, कब से? यस, 10 सितंबर से रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ सब टीवी और सोनी लिव पर। और कुछ आपको कहना है? डोंट फॉरगेट टू वॉच बालवीर रिटर्न्स ओनली ऑन सब टीवी एट नाइट 8 PM।
सो वॉच एंड एंजॉय. सो अब आपको मिलवाते हैं हम बालवीर रिटर्न्स की जो विलन है उनसे, जो विलन रियल में तो नहीं लगती है लेकिन ऑन स्क्रीन बहुत खतरनाक लगती है. पवित्र आपको नहीं, वेलकम टू सास और बेटिया, कैसी हो तुम? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी हूँ. बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, राइट? यस. और मुलाकात भी एकदम खतरनाक वाली. किस तरह का किरदार है और कैसा लुक है? मैं यहाँ पीछे बहुत बड़ा कटआउट देख रही हूँ, सो आप ही बताइए. हाँ, तो कुछ ऐसा मेरा लुक है अभी के भी मत जाइए. ये पवित्रा है, ये तिमनासा है, हम तिमनासा के बारे में बात करेंगे. ये जो आप कॉस्ट्यूम देख रहे हैं ये 50 से 55 किलो का कॉस्ट्यूम है. ये जो पीछे लाल वाली केप है इससे पीछे एक केप आती है और वो केप 8 से 9 किलो की है. तो 60 अबव केजी मैं लेके चलती हूँ रोज़ अपने बदन पे. बहुत ही थीम को डिसाइड करके और मद्देनज़र रखते हुए कॉस्ट्यूम बनाए. इफ़ यू सी दिस, तो जैसे पत्थरों में कपड़े अटकते हैं तो वो टियरी हो जाते हैं ना, थोड़े से रगेड लुक आता है, तो वैसे लुक दिया गया है. बहुत ही डिफाइंड, बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी दी गई है. ज्वेलरी के नाम पे सिर्फ मेरे आर्मर्स दिए गए हैं, दिस दैट्स ऑल. मेरे इयर रिंग्स नहीं दिए गए हैं, नथिंग एल्स, बिकॉज कान लॉक में ग्लोसी वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता है, कुछ शिमरी नहीं होगा. सो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पूरा तिमनासा का लुक सेटअप हुआ है. आईज बहुत हाईलाइट की गई हैं, इफ यू सी दिस, बहुत ही हाईलाइटेड आईज हैं. मेरी आपी आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ मेरी आपी. सो अक्सर टीवी में हमने आपको एज अ विलेन, मतलब कभी कॉमेडी विलेन, कभी यू नो मैं देखो नहीं छोड़ूंगी टाइप चीज़ें करते हुए बहू वाला आपका देखा है ट्रैक. सो ये कितना अलग होने वाला है, बिकॉज इट्स ऑल फैंटेसी वर्ल्ड, राइट? ये अलग कुछ ऐसा है कि अभी तक मैंने जितने भी रोल किए हैं वो बहुत अच्छे थे, बाखूबी निभाए, पूरी कोशिश की उन्हें निभाने के लिए. लेकिन एक कहावत सुनूँ कि बेटा बेटा होता है बाप बाप होता है, तो वो मैंने अभी तक बेटे निभाए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जब मैं इस गेटअप में आऊँगी तो मुझे बाप का रोल अदा करना पड़ेगा. सो दिस इज़ जितना भी मेरी आज तक की करियर की जर्नी रही है उसमें मैंने अभी तक, मैं इतना कहूँगी कि बेटे निभाए हैं और ये बाप है. बहुत डिफिकल्ट है लेकिन बहुत अच्छा है. सो क्या कहेंगे अपनी सारी ऑडियंस को, अपने सारे व्यूअर्स को कि कितना अमेजिंग है बालवीर रिटर्न्स होने वाला है और क्यों देखें इस शो को? बालवीर रिटर्न्स होने वाला है, बहुत खुशी की बात है. आई एम श्योर एंड आई नो दैट यू गाइज आर ऑल्सो एक्साइटेड, क्योंकि जिस तरीके से जितनी तादाद में आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, रिक्वेस्ट आती हैं, सिर्फ बालवीर 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 ही सुनाई देता है. अलग कुछ ऐसा होगा कि जब एग्जाम्पल देती हूँ कि जब हमारा पहला प्रोमो ऑन एयर हुआ तो मेरे पास जो कमेंट्स आए वो ये थे कि अरे मैम इंटरनेशनल VFX, ये तो इंटरनेशनल हो गया, कुछ तो इंडियन रखते. तो ये इस बार फ़र्क है क्योंकि हमारी टीम ने 6-7 महीने 8 महीने से जितनी मेहनत की है बालवीर रिटर्न्स के लिए, वो मेहनत रंग लाई उन कमेंट्स के चलते कि इंटरनेशनल VFX, इंटरनेशनल एक्शन, एवरीथिंग इज़ देयर. यहाँ पे हाथों का प्रयोग नहीं किया गया है बिल्कुल भी किसी को मारने के लिए कि यहाँ से रेज आई, इधर से कुछ निकली आग. यहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो एक्शन के साथ होती है. सो एक्शन के साथ साथ बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा मसाला आपको बालवीर रिटर्न्स में देखने को मिलने वाला है. तो सब टीवी पे जरूर देखिए और साथ ही सास बहू और बेटियां देखते रहिए. कैमरा पर्सन बुलेट के साथ श्रुति बढ़ जाते हैं मुंबई आज तक.